नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप दैट गोज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट द अदर एंड एज शोन इन द फिगर सवाल है शो दैट वॉट एवर फोर्स द मंकी एग्जर्ड ऑन द रोप द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल एक्सलेशन इफ इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेज हाल सो अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है सिनेरियो ये है कि यह आपकी एक पुली उस पुली पे यहाँ पे लटका हुआ है एक बंदर और यहाँ पे आपका एक लटका हुआ है मास इसका मास एक ब्लॉक जो है इसका मास एम है और इस ब्लॉक का भी मास है, आपका स्नैरियो है नाउ लेटेस्ट कंसीडर कि बंदर ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है और मान लीजिए ए वन से ऊपर जा रहा है और ये ए टू से नीचे आ रहा है ठीक है हमें ये शो करना है कि ए वन ए टू बराबर होंगे नाउ Uh, क्योंकि रस्सी आपकी मा, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है तो इसमें आपकी टेंशन टी होएगी सो so, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें सो so, इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसका एफ बी बनाएं तो नीचे तो आपका फोर्स लग रहा है एम और ऊपर आपकी टेंशन टी है और ये ऊपर ए वन से ऊपर जा रहा है सो so, उस केस में जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो हो गई टी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए वन विच एम्प्लाईज टी विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए वन अगर सिमिलरली इस ब्लॉक का हम एफ बी डी सो इसका एफ बी डी कुछ ऐसे बन सकता है कि ये आपका माँ ब्लॉक है नीचे उसका फोर्स लगा एम जी और ऊपर फोर्स लगा आ, आपका टेंशन टी और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए टू है सो so, इस केस में आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो आएगा क्योंकि नीचे जा रहा है सो so, इक्वेशन इसकी बनेगी एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए टू विच आपकी टेंशन टी को हम उधर ले जाएँ सो so, दिस विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए टू ना अब इन दोनों को टेंशन को अगर हम इक्वेट कर दें सो so ये आपकी इक्वेशन वन या आपकी इक्वेशन टू इन दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे सो वी कैन से एम जी प्लस एम ए वन

कि ये बंदर आपका अगर ए एक्सोलेशन से जा रहा है तो यही ब्लॉक आपका ए एक्सोलेशन से ऊपर जाएगा और दोनों एक साथ ऊपर चलेंगे ठीक है सो इन दोनों का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है और अगर ये रेस्ट पे है तो जिस वेलोसिटी से ही ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा सो दिस इज़ हाउ वी कैन शो दिस